हिसार के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि यहां कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मंगलवार को हिसार जिला नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहा संदिग्ध मोहन हाल ही में चीन के वुहान शहर से हिसार आया, परंतु आते ही कोरोना वायरस के लक्षण देखते ही उसे हिसार जिला नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाकर उनका सैंपल जाँच के लिए भेज दिया गया। अर्थ प्रकाश संवाददाता ने जानकारी मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर जया गोयल डिप्टी सिविल सर्जन से इस संबंध में बातचीत की। डॉक्टर जया गोयल ने बताया कि चीन से 23 लोग जो हिसार जिले में आए हैं, वह लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या नहीं, उनकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। जानकारी देते हुए डॉक्टर जया ने क्या बताया, देखे नवील दलाल की रिपोर्ट। जी मैडम, कोरोना वायरस के लिए सिविल हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी है और क्या अब तक कोई सस्पेक्ट पर्सन आया है इसको लेकर? कोरोना वायरस के लिए हमारे सिविल सर्जन ऑफिस ने पूरी तैयारियां हैं और हमने अपने सिविल हॉस्पिटल में निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है और वहाँ पे जो फिजिशियंस हैं उनको ये बता दिया गया है कि गाइडलाइंस दे दी गई हैं जो ऊपर से आई हैं, उसमें ये मेन तो है ये कि 14 दिन के अंदर, पिछले जो 14 दिन के अंदर वुहान से जो पेशेंट आ रहे हैं, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं उनको सबकी सैंपलिंग करनी है, और जो चाइना से आ रहे हैं उसके अलावा जो चाइना से लोग आ रहे हैं उनको सबको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। जिसके सिम्टम्स हैं उनकी सैंपलिंग करो, जिसके सिम्टम्स नहीं है उनको आइसोलेशन में रखो, और जिनके सिम्टम्स हैं उनकी सैंपलिंग करके उनको आइसोलेशन में रखो। मेन तो आइसोलेशन ही है, और उनको रेस्ट बताना है, हॉट फ्लूइड्स लें, खाना पीना खाएं और एक्सपोजर ना करें बिल्कुल भी, और रिपीटेड क्लीनिंग रखें, मास्क वगैरह यूज करें। और यही बताया, एक केस हमारे पास अभी सस्पेक्टेड आया है 1 तारीख को, वो चाइना से आया है बच्चा, मेडिकल स्टूडेंट है, और उसने मेरे को 1 फरवरी को आने के बाद 3 तारीख को फोन किया कि मेरे को फीवर फील हो रहा है और गले में खराश है, तो हमने उसको यहाँ बुलाया, अपने आइसोलेशन वार्ड में रखा है और उसकी सैंपलिंग करी है कि सस्पेक्टेड हो सकता है कि उसको कोई अंदर इन्फेक्शन हो, तो और आइसोलेशन यहीं पे कर रहे हैं उसका, जब तक उसका रिजल्ट आएगा तब तक उसको यहीं रखेंगे, या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा तब तक यहाँ रखेंगे, अदरवाइज उसको ये बताएंगे कि उसको आइसोलेशन में रहना है 14 डेज कम से कम है, उसके बाद 28 डेज है। मेन हमारे पास 23 लोगों की लिस्ट आई है जो कि हरियाणा में 31 दिसंबर के बाद यहाँ पे आए हैं, उनको हमने, क्योंकि हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था तो उनके यहाँ पे हमारा मल्टीपर्पज़ वर्कर एक एक पर्सनली जा रहे हैं, उनको चेक करके आ रहे हैं, जिसके पास सिम्टम्स हैं उनको यहाँ पे सैंपलिंग के लिए भेजेंगे, जिनके पास सिम्टम्स नहीं है उनको आइसोलेशन के लिए बताएंगे कि वो घर में रहें, रेस्ट करें, फ्लूइड्स लें, और रेस्ट मेन जो मेन फ्लू के जो लक्षण होते हैं मेनली वही होता है, फ्लू में जो बताते हैं हम कि रेस्ट करें और लिक्विड्स लें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।